रोहित मोबाइल मकरोनिया का सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम, जहां आपको मिलेंगे थोक एवं कम रेट पर मोबाइल। तो आधार कार्ड लाएं और 5 मिनट में मोबाइल ले जाएं। हमारा पता है खाद गोदाम के बाजू से, मकरोनिया चौराहा साकी। मध्य प्रदेश में शराब की नई नीति अप्रैल माह में लागू है, लेकिन इसी अप्रैल में एक नई सियासत, एक नई बगावत ने जन्म लिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती शराब का बहाना लेकर लगातार सरकार पर चोट कर रही हैं। उनके निशाने पर भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान है। वो लगातार ऐसे ट्वीट कर रही हैं, जिससे लग रहा है कि उमा भारती के दबे स्वर एक नई बगावत की कहानी लिख रहे हैं। ट्वीट पढ़ें जिसमें उन्होंने लिखा है कि शिवराज सिंह चौहान से 1984 से लेके 2022 तक के संबंध है। आगे आप खुद पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। इससे पहले उमा भारती ने भोपाल में एक शराब दुकान पर पत्थर फेंक कर यह जता दिया था कि यह पत्थर शराब दुकान पर नहीं, बल्कि उनका यह पत्थर नई शराब नीति पर है। हम बार बार कह रहे हैं कि भाजपा सरकार उमा भारती को बेजा हल्के में ले रही है। जब भाजपा में लोधी वोट की जरूरत पड़ती है तो यही चेहरा आगे किया जाता है। उमा भारती को लोधी वोट तक सीमित करने की भी चाल मानो भाजपा की लगती है। यह स्क्रिप्ट उस वक्त लिख दी गई थी जब शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन राजनीति की तारीखें बताती हैं कि लोधी वोट के आश्रय उमा भारती पिछड़ा वर्ग का सबसे दमदार चेहरा है। उमा भारती के पास चंद समर्थक हैं। उनके समर्थकों की बॉडी लैंग्वेज यह बताती रही है कि वो भाजपा सरकार के प्रति नहीं, बल्कि उमा दीदी के प्रति वफादार हैं। उमा भारती को नजरअंदाज या उनकी नाराजगी खत्म न करने को लेके आने वाले वक्त में कहा जा सकता है कि वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में लोधी वोट की हल्की सी पलटी, जो कभी भाजपा का परंपरागत वोट बैंक रही है, इस वोट बैंक ने 2018 के चुनाव में नाराज होकर दिखा दिया था और यह जता दिया था कि भाजपा का सत्ता का सफर वो कभी भी रोक सकती है। हार से घबराई भारतीय जनता पार्टी ने सारे लोधी नेता जो कांग्रेस में गए थे एक एक करके छीन लिए, लेकिन भाजपा को यह मालूम होना चाहिए कि असल में लोधी वोटर की पहली पसंद आज भी उनकी उमा दीदी है। ऐसे में अगर उमा भारती शराब के सहारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरती हैं, तो फिर आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अब इसे उमा भारती की बगावत कह लो या फिर वो बदला कह लो, जहां से उन्हें बार बार पार्टी से किनारा किया गया, उनकी बार बार पार्टी में बलचर्स को लेकर तोहीन हुई, शराब तो बहाना है, असल में उमा जी को सरकार को सबक सिखाना है। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट।